गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आज उनके अगली प्रॉपर्टी अपन रीड करते हैं। उन प्रॉपर्टीज में क्या चीज है वो देखते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी P4, थर्ड तो कल पढ़ी थी, आज फोर्थ, कि यदि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, सारणिक दिया हुआ है A, B, C, D, E, F, G, H, I, इस टाइप का दे रखे हैं, ये सारणिक है। तो यदि इस सारणिक की किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को अपन किसी अचर राशि से गुणा कर दें, तो इस सारणिक का मान भी उस अचर राशि के जितना ही गुना बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि यदि मैं जैसे इसको ऐसे लिखूं, नया बनाऊं इसको, कि K से इंटू कर दूं पहले वाले को, K A, K B, K C और बाकी सब एजिटेज रखूं इस टाइप से, तो ये जो सारणी पहले था, इस सारणी का ये K टाइम्स नजर आएगा, यानी ये दोनों चीजें बराबर हो। ये कहना चाहता है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करें, जैसा हमने कैसे किया पहली पंक्ति को, तो सारणी का मान उसी अचर राशि के गुणज के बराबर हो जाएगा, यानी उतने टाइम से वो बढ़ जाएगा। तीन से गुणा किया है, तीन गुना हो जाएगा। चार से गुणा किया है, चार गुना हो जाएगा। पांच से गुणा किया है, पांच गुना हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है। अब ये कैसे संभव है आप देख सकते हैं, इसका प्रसार से ही अपन प्रूव कर देते हैं। देखिए इसका प्रसार लिखे हैं तो A इंटू ई आई माइनस एच एन माइनस डी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई, ये है अपने पास इस तरह से, ये इसका प्रसार। और अब जरा इसका प्रसार करके देखें तो के ए इंटू जी ई आई माइनस एच एफ माइनस के बी को देखें तो डी आई माइनस जी एफ और प्लस के सी को देखें इसमें के सी, तो अपने पास डी एच माइनस जी ई आई। आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स, तीनों पदों में के मौजूद है, तो उस के को अपन कॉमन कर लें तीनों में से, तो अंदर अपने पास क्या बचा, ए ई आई माइनस एच एफ माइनस डी जी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई। और आप देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट है वो डिटरमिनेंट ए सारणिक ए का मान, तो अपन इसे लिख सकते हैं के ए, जो इस बात को साबित करता है कि यानी कि अपन किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करते भी हैं तो सारणिक का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है जिस अचर राशि से उसको गुणा अपन ने दिखा रखा है। तो ये अपना हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। अब पांचवी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, पांचवा गुणधर्म हमें ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई सारणिक इस तरह का दिया हुआ है कि जिसमें कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो राशियों के योग या अंतर के रूप में है, तो हम उस सारणिक के दो अलग अलग सारणिकों का योग या दो अलग अलग सारणिकों के अंतर के रूप में दर्शा सकते हैं और उसका मान वही आएगा जो पहले सारणी का सीधे प्रसार करने पर आता। क्या कहना चाहता है वो जरा समझें। P5 प्रॉपर्टी अपनी
कि मान लीजिए ये जो सारणी अपना दे रखा है वो इस तरह का है, a प्लस बी, बी प्लस ई और c प्लस एच, जी एच आई जे के एन, इस टाइप का है। तो हमने क्या किया, ऊपर पहली जो पंक्ति दिखा रखी है वो दो राशियों के योग के रूप में, तो हम इसे दो अलग अलग सारणियों के रूप में दिखा सकते हैं। ए बी सी के जो पहले पहले अवयव है उसको पहली पंक्ति बना लें, जी एच आई और जे के एन। अब चूंकि सबके बीच में अपना प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस, और यदि सबके बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस यूज। और जो इनके दूसरे अवयव है डी ई एफ उसको पहली पंक्ति दूसरे सारणी की बना दें, और जी एच आई और जे के एल, इस तरह से। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी पांचवी, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट यानी सारणी में कोई पंक्ति या स्तंभ रो या कॉलम दो राशियों के सम के यानी योग के रूप में है तो अपन उन्हें दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के सम यानी दो अलग अलग सारणियों के योग के रूप में दर्शा सकते हैं, और इनका प्रसार करने से वही मान आएगा जो उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते दो वाला। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो हमें इस तरह से समझा रहे हैं। अब गुणधर्म नंबर 6, प्रॉपर्टी 6, वो क्या कहती है ओपन, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी 6 हमें क्या समझाती है देखते हैं। P6, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट सारणी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दे रहे हैं। गुणधर्म क्या बोलता है वो देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि इस सारणी में किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करके और दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो पहले वैल्यू थी वही अब रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें दूसरी पंक्ति को k से गुणा करके और पहली पंक्ति में जोड़ दी, a प्लस के डी, बी प्लस के ई और c प्लस के एफ, इधर d e f और g h i एज इट इज, मुझे साबित यह करना है कि इसका मान वही आएगा जो इसका। अब कैसे साबित करें देखते हैं। तो हमने क्या किया, अभी जो अपनी 5th प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अनुसार यदि कोई पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के योग के रूप में है तो अपन दो अलग अलग सारणियों के रूप में उस को दर्शा सकते। आई ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये पहला सारणी प्लस के डी के ई के एफ डी ई एफ और जी एच आई, ये अपना दूसरा। इनमें से के कॉमन निकाल लेते हैं, ये तो अपना सुपर डिटरमिनेंट ए है ही, ये तो पूरा वही है जो स्टार्ट किया, प्लस इसमें से के कॉमन लिया तो अंदर डी ई एफ डी ई एफ और जी एच आई। और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताती कि इसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान सदैव शून्य होगा। तो a प्लस k इंटू जीरो,
यानी डिटरमिनेंट ए। तो इसका मतलब जो पहला था वही रहा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को एक्सप्लेन करता है, जो हमें ये समझाता है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ देते हैं तो सारणी का मान वही बना रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह से अपना ये हिसाब हुआ। अब अपन बात करते हैं अपनी सातवीं प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि यदि सारणी के प्रसारण किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा करके और हल किया जाए तो उसका मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। क्या मतलब है? जैसे एक सारणी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3, 2, 1। ये कोई भी सारणी हमने लिखी है, हम इसका प्रसार करें तो कुछ राशि तो प्राप्त होगी होगी। लेकिन अब हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यदि हमने इसका प्रसार यूं किया A11 के साथ, यानी इस पहले के साथ में इस दूसरे के सेकंड को अपन ने डाला F21, इस दूसरे के साथ में A12 के साथ में F22 और तीसरे के साथ में A13 के साथ में F23 को डाल दिया, तो हमें यह साबित करना है कि इसका मान शून्य आएगा। आइए देखते हैं। A11 यानी 1 और दूसरे का सेकंड, इसके सेकंड की बात करें तो अपने पास यहां से ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, अवयव बचे 2, 3 और 2, 1। ठीक है, 2, 3 और 2, 1 चिन्ह से लेंगे तो ये प्लस तो ये माइनस वाला होता है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस 2, 3, 2, 1। अब जरा A12 की बात करें, इसके माइनस 2 लगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। फिर अपन यहां से लेते हैं F22, इसके लिए तो ये द्वितीय स्तंभ द्वितीय पंक्ति 1, 3, 3, 1 प्लस का लिया इसके, प्लस A13 यानी 3 और F23 यानी वो तीसरा माइनस का लेना है, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहां से इस अवयव और इसको जोड़ते 1, 2, 3, 2। अब आइए इनका प्रसार कर लेते, तो -1 × 2 − 6 −2 × 1 − 9 और −3 × 2 − 6। इसे सॉल्व करें तो -4 है, उसका -1 × किया +4। इधर अपन चले -8 का -2 × किया +16 और उधर -4 अपने पास आ रहा है और -3, तो ये अपने पास तो अपने पास सदा था, यहां ये गलती से माइनस था वो प्लस में है, तो ये वैल्यू माइनस है और अब उधर -4 − 3 + 12। तो अपन यहां देख रहे हैं 4 और 12 = 16 − 16 दैट इज 0। तो हमने क्या नोटिस किया? देखिए A11, A12, A13 तो थे 1, 2 और 3, लेकिन इनके जो ये सेकंड अपन ने लिखे साइन उनके हैं, पहला वाला इसका माइनस, दूसरा वाला इसका प्लस, तीसरा वाला 6 के साथ माइनस, वो गलती से यह माइनस लिखा गया था उसको अब करेक्ट कर दिया प्लस। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई −4 − 1 = 2 और +4, इधर −4 − 3 = 2 और +12
और इधर माइनस एट टू से दो माइनस सिक्सटीन, तो ओवरऑल वैल्यू अपनी जीरो, जो हमें इस बात की पुष्टि करता है कि ये किसी भी पंक्ति को यदि उसके दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उसका मान सदैव शून्य ही आएगा, ये इस बात को दर्शाता है। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। ये अपने पास ओवरऑल प्रॉपर्टियां होती हैं जिनका अपन इस्तेमाल करते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फोर पॉइंट वन अपन कर चुके हैं, 4.2 के दो क्वेश्चन की आज बात करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके किस तरह से अपन उनको सॉल्व किया करते हैं। तो जैसे अपन ने चुना जैसे फिफ्थ क्वेश्चन 4.2, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है अपनी 111, फिर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई और उसके बाद वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई और लेकर आने हैं आंसर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये लेकर आने हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जब भी किसी कॉलम या रो में तीनों राशि 111 के रूप में आ जाए तो दो जगह जीरो बना लो, और इसके लिए जैसे मैं यहां आर टू को चेंज कर रहा हूं आर टू माइनस आर वन से, और आर थ्री को चेंज कर रहा हूं आर थ्री माइनस आर टू से, इनसे मैं बदल रहा हूं। तो आइए क्या बदलाव आता है देखिए। पहली पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो उसको तो जैसा था वैसा ही रहता। अब यहां वन में से वन गया, ये वन में से वन आर टू में से आर वन तो जीरो, जेड एक्स में से माइनस किया वाई जेड को, इधर जेड प्लस एक्स में से माइनस किया वाई माइनस जेड को, फिर वन में से वन माइनस किया है जीरो, एक्स वाई में से माइनस किया जेड एक्स को, और एक्स प्लस वाई में से माइनस किया जेड माइनस एक्स। आइए क्या बचा देखते हैं। इसमें हमारे पास जो बच रहा है उसको लिखा जाए वन वाई जेड और वाई प्लस जेड, ये तो जैसा था वैसा ही। यहां देखिए जीरो, इसमें से जेड कॉमन ले तो अंदर एक्स माइनस वाई, और इसमें जेड से जेड कैंसिल है एक्स माइनस वाई, यहां पर जीरो, इसमें एक्स कॉमन लिया तो वाई माइनस जेड, और यहां एक्स से एक्स कैंसिल है वाई माइनस जेड। अब आप देख रहे हैं इस सेकेंड रो में से एक्स माइनस वाई बाहर निकल सकता है और थर्ड रो में से वाई माइनस जेड, तो पहले ये दो चीजें हमने बाहर निकाली एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है वो देखें, वन वाई जेड वाई प्लस जेड जीरो जेड वन जीरो एक्स वन, और अब इसे प्रसार कर लेते हैं। सिर्फ इस प्रथम स्तंभ के लिए करेंगे प्रसार, को एक के लिए करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू वन जेड माइनस एक्स और बाकी दो जीरो, क्योंकि जब अपन प्रथम स्तंभ के अनुसार करेंगे तो वन के लिए तो लिख दिया ही, अब जीरो और जीरो के लिए करेंगे तो आगे चाहे कुछ भी हो मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही रहेगा। तो बच के हमारे पास एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जो हमारे इसकी आर एच एस। तो ये सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सारणी को दूसरी सारणी किसी सारणी की पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी भी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये गुणधर्म अपन यहाँ लगा सकते। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी प्रॉब्लम्स अपन बाद में करेंगे।